देखो एसिड बेस कॉन्सेप्ट के एसिड और बेस में क्या फर्क है केमिकली। एक तो फिजिकल फर्क होता है कि एसिड जो है वो मतलब कोरोसिव टू टच होता है, बेस जो है वो स्लिपरी टू टच होता है, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, बेस का टेस्ट कड़वा होता है। ये कुछ हमारे पास जो है इसके फिजिकल डिफरेंसेस हैं। केमिकल डिफरेंसेस की बात की जाए ना, जो ज़रूरी है सेकेंडरी लेवल में बच्चों को उसके केमिकल डिफरेंस पता होना चाहिए कि केमिकली एसिड और बेस में क्या फ़र्क है। तो तीन कॉन्सेप्ट जो है ना एसिड बेस के बारे में जो है वो साइंटिस्ट लोगों ने दिए हैं। देर आर थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहलाता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा कहलाता है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट या लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है लेविस कॉन्सेप्ट कि केमिकली एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। ये क्लास नाइन्थ की बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। नाइन्थ के बच्चे इसको चैप्टर नाइन में एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये आयोनाइजेशन कॉन्सेप्ट पे डील करता है। लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट डील करता है आपके पास दैट इज प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट पे, प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट पे। जबकि आपके पास लेविस कॉन्सेप्ट जो सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड और करेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपका डील करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के लिहाज से एसिड बेसिस क्या होते हैं। आर्हेनियस साहब कहा करते थे कि जो एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स आर एच प्लस डोनर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो भी सब्सटेंस एच प्लस दे देगा तो वो एसिड होगा। और बेस क्या होगा, बेस हर वो सब्सटेंस जो के ओ एच नेगेटिव डोनर होगा, ओ एच नेगेटिव दे देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो आपके पास बेस होगा। बट जिसके फॉर्मूले में H आ जाएगा वो एसिड, जिसके फॉर्मूले में OH आ जाएगा वो बेस है। ये कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का। जैसे HCl है, उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाटर में H प्लस साइन दे दे रहा है, दैट्स वाई HCl इज एन एसिड, ठीक है। इस तरह से NaOH इसको बेस इसलिए कहा जाता है कि जब उसको पानी में डाला जाएगा तो Na प्लस और OH माइनस अलग हो जाएगा, दैट्स वाई NaOH इज कॉल्ड अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर लेकिन मसला ये था कि अमोनिया के अंदर, जब अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया के अंदर OH नहीं होता, फिर भी वो बेसिक नेचर का होता है अमोनिया गैस। अब वो कॉन्सेप्ट पेश किया था लोरी ब्रॉन्स्टेड ने कि अमोनिया किस तरह से बेस है। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड कहते थे कि एसिड जो होते हैं ना, एसिड्स आर एक्चुअली प्रोटॉन डोनर्स, वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। और बेस क्या होते हैं, बेस होते हैं हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट होता है। प्रोटॉन्स किसे कहते हैं, असल में जो एक एच प्लस होता है ना उसी को प्रोटॉन कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एच प्लस बन जाता है और उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचता है। तो प्रोटॉन कह लें कि एच प्लस कह लें, बात एक ही है, देर इज नो डिफरेंस। तो एच प्लस डोनर और एच प्लस एक्सेप्टर, बात वही हो गई, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम एच सी एल की बात करेंगे, एच सी एल को जब पानी में ऐड किया जाएगा तो एच सी एल क्या करेगा, अपना एच पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट कर देगा वाटर को। तो यहाँ पर सी एल नेगेटिव बन जाएगा और प्लस एच थ्री ओ पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। दैट्स वाई ये एसिड है, क्योंकि अपना प्रोटॉन ये एच प्लस डोनेट कर रहा है। ये भी यही गेम कह देता है एच प्लस डोनर है, ये कह रहा है प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन और एच प्लस एक ही चीज़ होता है असल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट क्या था लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जैसे अमोनिया की बात कर ले, जब अमोनिया का रिएक्शन जब आप वाटर से कराओगे, H2O से कराओगे, अमोनिया का रिएक्शन जब वाटर से करा लोगे ना, तो बजाय अमोनिया यहाँ पर H प्लस देने के H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा वाटर से। वाटर के फॉर्मूले में क्या होता है, H प्लस H और OH माइनस होता है ना, तो वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन और फिर OH नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पर। तो सिंस अमोनिया ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया, चूँकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इस वजह से ये बेस है। ये प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट था। थर्ड कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट कहता था कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड्स होते हैं, और बेस क्या होते हैं भाई, बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। हर वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देती है
वो बेस होती है, ठीक है। अब एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे लेविस एसिड। अभी मैंने लेविस एसिड को कहा कि AlCl3, ठीक है। अब अगर इसका रिएक्शन अगर हो जाता है किसी कंपाउंड के साथ, लाइक अगर इसका रिएक्शन Cl नेगेटिव से हो जाएगा, तो Cl नेगेटिव के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा ये, तो AlCl4- बन जाता है। दैट्स वाई AlCl3 एक लेविस एसिड कहलाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अमोनिया, अमोनिया का रिएक्शन आप H+ से करा दो, या अमोनिया रिएक्शन आप वाटर से करा दो, ठीक है, या H+ से भी करा देते हैं जस्ट। तो क्या होता है, अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो क्या करता है ये अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस हाइड्रोजन को दे देता है, और बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बन के अमोनिया में NH4 पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर असल में डोनेट कर रहा है, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अमोनिया लेविस के मुताबिक एक बेस है। तो ये डिफरेंस होते हैं आर्हेनियस के ब्रोसेड लोरिक और लेविस कॉन्सेप्ट में। तो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, ये इसके एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, और इसके एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, बस समझ में आ रही है। तो लेविस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे AlCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, AlCl3 और भी हो सकते हैं, BF3 भी एक लेविस एसिड है। लेविस पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि ऐसा एसिड भी दुनिया में हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन ना हो। AlCl3 में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये एसिड है, कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। BF3 में कोई भी आपके पास जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन बोरॉन को जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इस तरह से होगा, बोरॉन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कहीं से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेगा। इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि BF3 पूरा का पूरा एक लेविस एसिड है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है?